Dear students, as you know that there are three kinds of sentences in active passive, assertive, interrogative and imperative. So today I am going to teach you and explain you assertive sentences. Example number first. You play cricket in the field. Tum maidan mein cricket khelte ho. In this sentence the subject is cricket. Cricket ko hum sabse pehle laate hain. Cricket is vakya mein sahayak kriya nahi di gayi hai. फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हम एज एम आर में से एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसका प्रयोग किया. प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू इन द फील्ड. क्रिकेट इज प्लेड बाय यू इन द फील्ड. शी राइट्स अ लेटर. वह एक पत्र लिखती है. ऑब्जेक्ट है अ लेटर. अ लेटर इस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं दी गई है. फर्स्ट फॉर्म में एस और ई है. प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है. हमको इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हम अ लेटर सिंगुलर है इसका प्रयोग करेंगे. थर्ड फॉर्म राइट की रिटन by her. She का object her. A letter is written by her. I do not call him. ये negative sentence है present definite का. He subject बनेगा. Do के स्थान पर भी हमको is MR लाना है. He के according is. He is not. और third form called by I का object me. He does not take tea in the morning. वो सुबह चाय नहीं पीता है. इसमें object है tea. Tea को हमने प्रारंभ लिया. Does के स्थान पर is MR. Tea को टी को एज अ सिंगुलर यूज करते हैं. टी इज नॉट थर्ड फॉर्म टेकन बाय मी इन द मॉर्निंग. टी इज नॉट टेकन बाय मी इन द मॉर्निंग. ये चारों सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के इसमें सहायक क्रिया नहीं दी गई थी इसलिए हमने इज एम आर का प्रयोग एज सहायक क्रिया के रूप में किया. दे सैंग अ स्वीट सॉन्ग पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एग्जाम्पल है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा सब्जेक्ट बनेगा अ स्वीट सॉन्ग. इस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं दी गई है. सेकेंड फॉर्म दी गई है सैंग. इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉस या वर लाएंगे. अ स्वीट सॉन्ग के संग वॉस का यूज होता है. अ स्वीट सॉन्ग वॉस संग बाय दे का ऑब्जेक्ट देम. कमला डिड नॉट मेक अ डॉल. कमला ने गुड़िया नहीं बनाई. हमारा सब्जेक्ट बनता है अ डॉल. अ डॉल डिड के स्थान पर भी हमको वॉस या वर लाना है. अ डॉल सिंगुलर है इसलिए हम वॉस का यूज करेंगे. अ डॉल वॉस नॉट और मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय कमला. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का एग्जाम्पल लेते हैं. वी शैल विजिट द ताज नेक्स्ट ईयर. हम अगले साल ताजमहल देखेंगे. हमारा सब्जेक्ट है बनेगा द ताज. और ताज के संग हम देखते हैं सेल का प्रयोग नहीं होता है बल्कि विल का प्रयोग होता है. और इसमें जुड़ने वाली सहायक क्रिया है अकॉर्डिंग टू चार्ट बी थर्ड फॉर्म विजिटेड बाय अस द नेक्स्ट ईयर. ही विल बीट द नॉटी बॉय. वह शरारती लड़के को पीटेगा. सब्जेक्ट बनेगा द नॉटी बॉय. विल सेम रहेगा क्योंकि आई और वी के संग केवल सेल आता है और अदर सब्जेक्ट के संग हम विल का प्रयोग करते हैं. द नॉटी बॉय विल ऐड करने वाली सहायक क्रिया बी थर्ड फॉर्म बीटन बाय हिम. द नॉटी बॉय विल बी बीटन बाय हिम. द फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. हम कंटीन्यूअस टेंस में आ रहे हैं जहां मैं पहले से आपको बता दूं हम जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब बी. द फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. द न्यूज़पेपर सब्जेक्ट बनेगा. सब्जेक्ट सिंगुलर है फादर भी सिंगुलर है इसलिए सहायक क्रिया सेम रहेगी. इज ऐड करने वाली सहायक क्रिया बीइंग. रीडिंग की थर्ड फॉर्म होती है रेड बाय द फादर. द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय द फादर. आई एम लर्निंग माय क्वेश्चंस. मैं अपने प्रश्नों को याद कर रहा हूँ. माय क्वेश्चंस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया. एम के स्थान पर हो जाएगा आर. ऐड करने वाली हेल्पिंग वर्ब बीइंग थर्ड फॉर्म लर्नड बाय मी. माय क्वेश्चंस आर बीइंग लर्नड बाय मी. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दे वर डूइंग देयर होमवर्क. सब्जेक्ट बनेगा देयर होमवर्क जो कि सिंगुलर है इसलिए वर्ब के स्थान पर वॉस. ऐड करने वाली हेल्पिंग वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म डू की डन बाय देम. देयर होमवर्क वॉस बीइंग डन बाय देम. द सर्वेंट वॉस क्लीनिंग द रूम. सब्जेक्ट बनेगा द रूम. रूम सब्जेक्ट रूम सिंगुलर सब्जेक्ट है. सर्वेंट भी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉस सेम रहेगा. ऐड करने वाली सहायक क्रिया बीइंग थर्ड फॉर्म क्लीन बाय द सर्वेंट. द रूम वॉस बीइंग क्लीन बाय द सर्वेंट. द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स. टीचर इसमें सब्जेक्ट बनेगा द कोर्स जो कि सिंगुलर है इसलिए हैज ही रहेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के संग हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं. ऐड करने वाली सहायक क्रिया बीन. कंप्लीटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसलिए चेंज नहीं करेंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है. यहाँ पर बता दूं आपको हम जितने भी अब टेंस करने जा रहे हैं वो सारे परफेक्ट टेंस है. पहले से थर्ड फॉर्म दी गई होगी. पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इसलिए वर्ब चेंज नहीं होगी. यू हैव इन्वाइटेड द चीफ गेस्ट फॉर द फंक्शन. सब्जेक्ट बनेगा द चीफ गेस्ट. यू के संग हैव का यूज होता है. चीफ गेस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है. हैज का यूज होता है. एड करने वाली सहायक क्रिया बीन. द चीफ गेस्ट हैज बीन थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड बाय यू फॉर द फंक्शन.
The monkey had eaten all the fruits. Past perfect tense है, help में same रहती है, change नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक ही tense सहायक क्रिया दी गई होती है. All the fruits हमारा subject बनेगा, had same रहेगा, add करने वाली सहायक क्रिया been, क्योंकि perfect tense है, verb same रहेगी, third form eaten by the monkey. All the fruits had been eaten by the monkey. I shall help solve. और आई सेल हैव सॉल्व द क्वेश्चन, हमारा सब्जेक्ट बनेगा द क्वेश्चन, सेल हैव के स्थान पर आएगा विल हैव, और ऐड करेंगे सहायक क्रिया बीन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई है सॉल्व बाय आई का ऑब्जेक्ट मी, द क्वेश्चन विल हैव बीन सॉल्व बाय मी. ही विल हैव पनिश द सर्वेंट, सब्जेक्ट बनेगा द सर्वेंट, विल हैव का ही यूज होगा क्योंकि आई और वी के संग सेल हैव का यूज होता है, ऐड करने वाली सहायक क्रिया परफेक्ट टेंस में बीन, वर्ब सेम रहेगी बाय देम, द सर्वेंट विल हैव बीन पनिश्ड बाय हिम. अब हम 12 टेंसों के बाहर चलते हैं जहां पर हमको ऐड करनी है सहायक क्रिया बी. सी कैन यूज माय मोबाइल, सब्जेक्ट बनेगा माय मोबाइल. 12 टेंसों के बाहर यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट का सहायक क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सहायक क्रिया सेम रहेगी और ऐड करने वाली सहायक क्रिया भी सेम रहेगी जो होगी बी. सी कैन यूज माय मोबाइल कैन बी यूज बाय हर, माय मोबाइल सब्जेक्ट बना, कैन सेम रहेगा, ऐड करने वाली सहायक क्रिया बी, थर्ड फॉर्म यूज्ड बाय हर. यू शुड प्ले सम गेम सब्जेक्ट बनेगा, शुड सेम रहेगा, 12 टेंसों के बाहर की सहायक क्रिया है, ऐड करने वाली सहायक क्रिया बी, प्लेड बाय यू. ही मे हेल्प यू इन योर नीड, सब्जेक्ट बनेगा यू, मे सेम रहेगा, ऐड करने वाली सहायक क्रिया बी सेम, थर्ड फॉर्म हेल्प बाय हिम इन योर नीड, यू मे बी हेल्प बाय हिम इन योर नीड. आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यदि वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हो तो वाक्य को निम्न प्रकार से दो प्रकार से हल किया जा सकता है. तो ये कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जिनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें जो व्यक्ति होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और जो वस्तु होती है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. इस वाक्य को करने के दो तरीके होते हैं. द टीचर गेव मी अ बुक, इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है, आ बुक भी ऑब्जेक्ट है, किसी को भी हम एज अ सब्जेक्ट बना सकते हैं. हमने मी को एज अ सब्जेक्ट बनाया, आई सेकंड फॉर्म दी गई है, वॉस थर्ड फॉर्म लाएंगे क्रिया की, गिवन आ बुक, और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम वर्ब के बाद लिख देते हैं, आई वॉस गिवन आ बुक बाय द टीचर. अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमने आ बुक लिया, फिर से सेकंड फॉर्म है, फिर से सब्जेक्ट सिंगुलर है, वॉज गिवन. अब यहाँ पर हमको जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको हमको लिखना तो वर्ब के बाद ही है, लेकिन उसके पहले हमको नियम के अनुसार कभी टू तो कभी फॉर का प्रयोग करना है. आ बुक वॉज गिवन टू मी बाय द टीचर. सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, यदि पहले ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद ऑटोमेटिकली लिख दिया जाता है, और यदि दूसरे ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को क्रिया के बाद लिखते हैं लेकिन टू या फोर से उसको हम ऐड कर देते हैं. My father had purchased me a new watch. Me को हमने यह सब्जेक्ट लिया, I के संग have आता है, ना कि है चेंज किया. परफेक्ट टेंस है, ऐड करने वाली सहायक क्रिया been, purchased a new, यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, a new watch by my father. I have been purchased a new watch by my father. हम उसको दूसरे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, a new watch, सब्जेक्ट सिंगुलर है, has का has रहेगा, ऐड करेंगे been, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहेगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने वर्ब के बाद लिखा लेकिन अर्थ के अनुसार उसको फॉर से ऐड कर दिया. फॉर मी बाय माय फादर, अ न्यू वॉच हैज बीन परचेज फॉर मी बाय माय फादर. तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इन सारे सेंटेंसों को हल करते हैं.